जी भाभी जी, आपने शायद नोटिस नहीं किया, मैंने देखा वहां पे मेरी फोटो लगी हुई है, उसमें लिखा है भाभी जी और आपकी फोटो लिखा है मेरे प्रभुति जी। मस्त जोक मारा ये हंस रहा हल्का। तो चलिए शुरू करते हैं। भाभी जी कैसी हैं आप? भाभी जी आपका स्वागत है एफएम मुरादाबाद के शो में, आपके अपने शो में। भाभी जी रेडियो पर है तो फाइनली भाभी जी हमारे बीच आ चुके हैं। भाभी जी कैसी हैं आप? भाभी जी थैंक यू विभूति जी, हम बहुत अच्छे ठीक बा। आप बताइए आप कैसे बा? एकदम मजे में भाभी जी। आज तो वैसे मैंने भी तरह देखा एंजॉय किया, यहाँ पे काफी लोग लिसन आए थे भाई। आपने देखा भाभी जी? हाँ भैया आपने देखा जी, हम देखे बहुत ही सारे लोग आए थे जी। भाभी जी आपने ये चीज नोटिस करी? भाभी जी आज उनको स्थापना दिवस 1 साल हो गया भाई उनको आज। हाँ आज फाउंडेशन डे था ना। भाभी जी, भाभी जी वो फाउंडेशन डे होता है भाभी जी, फाउंडेशन डे। आज सही पकड़े हैं, आज स्थापना दिवस था जी, जी। तो हमको तो बहुत ही खुशी हुई कि हमारे एफएम मुरादाबाद को 1 साल पूरा हो गया है जी। भाभी जी डेफिनेटली, भाभी जी आपने देखा भाभी जी मतलब श्रोता कितने दीवाने हैं हम लोग के भाभी जी, मतलब पूरे एफएम मुरादाबाद के इनके शो के काफी मतलब सारे आर्टिस्ट बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं भाभी जी। बात तो सही है। श्रोता इतना प्यार जता रहे थे, इतना प्यार जता रहे थे सब पर, और बहुत ही खुश थे और सारे प्रोग्राम की तारीफ कर रहे थे जी। भाभी जी मतलब आप देखिए, मतलब इतनी गर्मी में लोग अपना समय निकाल के यहाँ पे आए और सुबह से लेके अभी तक बैठे हुए थे, बड़ा मजा आया, मतलब बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके, मतलब एफएम मुरादाबाद की अपनी पहुँच है भाभी जी। हाँ और हम देखे और काफी सारी ट्रॉफी दिए, और इसी प्रगति को भी मिली है, आनंद को भी मिली है, सबको मिला है ट्रॉफी। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और भगवती जी हम दोनों को हमारे शो की ट्रॉफी मिली है। जी भाभी जी आप देखिए ना, श्रोता इतना प्यार दे रहे हैं कि उन्होंने हमारे ट्रॉफी बनवा के उसमें नाम लिखा है शो का। भाभी हम दोनों का फोटो है, वो में नाम है हम दोनों का, और हमारे शो का नाम है, भाभी जी रेडियो पर है, वो ट्रॉफी हमको मिला है। लेकिन भाभी जी आपने हमारी ट्रॉफी में एक चीज नोटिस नहीं करी आपने शायद। का भाभी जी आपकी फोटो में मेरा नाम लिखा, मेरे फोटो में आपका नाम लिखा। जी भाभी जी आपने शायद नोटिस नहीं किया, मैंने देखा वहां पे मेरी फोटो लगी हुई है, उसमें लिखा है भाभी जी और आपकी फोटो लिखा है मेरे प्रभुति जी। मस्त जोक मारा ये हंस रहे हल्का। ये तो हम ना ही देखे जी भाभी जी, अच्छा हो जाता कोई बात नहीं, प्यार प्यार में कभी छोटी छोटी मोटी कहते ना, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है भाभी जी। सही पकड़े हैं। अच्छा ये कौन बात ना ही, लेकिन हमारे श्रोताओं का जो भावना है, जो भाव है, जो प्रेम है, वो तो हम तक पहुँच गया ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी जी भाभी जी, तो और बताइए भाभी जी आपको और कैसा किस किस से मिले, मतलब फोटो वोटो खिंचवाई आपने? मैंने बड़ा फोटो खिंचवाई दिया, और फाउंडेशन है, आप बड़ी फाउंडेशन मार के आई है भाभी जी, क्या बात है। हम सोचे कि आज हम बहुत सारा फाउंडेशन लगा के जाएंगे, और कहे कि हम गोरी चिट्टी दिखना चाहते थे, बहुत ही सुंदर दिखना चाहते थे। अच्छा बात है भाभी जी, तो आप वैसे भाभी जी तो वैसे इतनी सुंदर लगती है भाभी जी आप। थैंक यू भगवती जी, थैंक यू थैंक यू जी भाभी जी। हमारे भाई श्रोता है आपके बड़ा याद करते हैं, सुना जय श्री राम करते हैं, मेरे मित्रपाल जी। हाँ मित्रपाल जी वो हर शो में हम सुने हैं प्रगति का शो, हर शो में वो मैसेज करते हैं। भाभी जी को काम में अपने काम छोड़ के हैं भाभी जी वो। जी भाभी जी मतलब इतना श्रोताओं का इतना प्यार हमारे जरा मतलब बना रहता है भाभी जी, बड़ा मजा आता है इन लोगों के साथ कि भाई हम तभी तो यहाँ पे आते हैं भाभी, टाइम निकाल के आप बताइए। देखिए ये श्रोताओं का प्यार है जो हमको मोटिवेट करता है। वो मोटिवेट होता है भाभी जी, ऐसे पकड़े हैं, हमको प्रोत्साहन देता है जी भाभी जी, डेफिनेटली भाभी जी। भाभी जी तो भाभी जी और बताइए आज कैसा मन करा था आपका? हमरा तो नाचने का मन कर रहा था। अच्छा जी भाभी जी, मतलब डांस ही नहीं हो पाया भाई, मजा तो बड़ा है भाभी जी। हाँ बहुत ही मजा आया सबके साथ मिलके, देखिए जिनको जिनके मैसेज हम पढ़ते हैं या जिनकी कॉल हम सुनते हैं, जिनसे कॉल पे बात करते हैं, वो साथ साथ हमारे सामने थे, तो हमको तो बहुत ही आनंद आया। जी भाभी जी और भाभी जी मतलब यहाँ पे ये था कि मतलब डांस करने का मन तो उनका भी था हमारे साथ एंजॉय करने का, लेकिन भाभी जी जगह थोड़ी कम पड़ गई थी, इतने सारे श्रोता आ गए हमारे सुनने के लिए, मतलब उनको वो सब कह रहे कि भाई आप लोगों से मिलना था हमें, बड़ा मजा आया। अच्छा ये कोई बात नहीं, का है ना दिल में जगह होना चाहिए जी, क्या बढ़िया था गुरु। भाभी जी एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही भाभी जी, आप बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं आज, माशाल्लाह बड़ी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही खुश है। वाओ
हम घर से निकले थे ना तो लड्डू के भैया हमको बोले कि अंगूरी आज तुम बहुत ही कहर ढा रही हो, अच्छा बनियान को लिया है। क्या बोले? कुछ नहीं, मतलब भाभी जी, मतलब यार हम श्रोता यहाँ एफएम की बात कर रहे हैं भाभी जी, आप कहाँ? तो हम भी लड्डू के भैया की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमको बोले अंगूरी कान के नीचे टाला टिक्का लगा लो, काहे कि तुमको नजर लग जाती है। ठीक है, काहे ना हमको नजर लग जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और हमने लड्डू के भैया हमरा बहुत ही फिक्र करते हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। भाभी जी, मुझसे ज्यादा फिक्र कोई नहीं करता होगा आपकी। क्या बोला तूने? भाभी जी, मुझसे ज्यादा फिक्र कोई नहीं करता होगा आपकी। क्या बोले? हमसे बहुत ही प्यार करते हैं लड्डू के भैया। जी भाभी जी, बहुत अच्छी बात है भाभी जी, प्यार आपसे सब लोग सारे श्रोता भी आपसे कितना प्यार करते हैं भाभी जी। हाँ, हम भी अपने सब श्रोताओं से बहुत ही प्यार करते हैं। जी भाभी जी, चलिए भाभी जी, ऐसे करते हैं, वो डिस्को का मन करा था ना, डिस्को वाला गाना सुनते भाभी जी, हम स्टूडियो डांस करें थोड़ा सा, क्या कहती भाभी जी? ठीक बा, श्रोताओं के सामने तो हम ना ही नाच पाए, काहे कि हम यहीं पे नाच लेते हैं, काहे कि आज हमारा बड़े ही डांस करने का मूड हो रहा है। बहुत ही जोर का डांस आ रहा है हमको। डिस्को करते हैं भाभी, डिस्को करते हैं। ठीक बा, चलिए साथ में।